हेलो फ्रेंड्स, आज ये व्लॉग बर्थडे सेलिब्रेशन का है। तो आज हम लोग यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और यहाँ पे सिद्धांत के जो चाचा हैं वो वाइट टी शर्ट में, उनका बर्थडे है। और यहाँ पे मेरी पूरी फैमिली है साथ में, देख लीजिए मेरी ये छोटी सी प्यारी सी फैमिली है। और अभी मतलब इनका बर्थडे जो है वो कल है, आज रात में 12 बजे हम लोग बस सब सोने जा रहे थे, तो हेलो हम कहे थे चलो फ्रेंड्स, केक वेलकम कट टू माय कर यूट्यूब लेते हैं, चैनल फिर बाकी का मुताबिक। कल हम सेलिब्रेट और जैसा कि करेंगे। आप लोगों को टाइटल से पता चल ही गया होगा कि आज का ये व्लॉग बर्थडे स्पेशल व्लॉग है। तो हम लोग केक जो है वो कल रात में कट कर लिए थे और आज डिनर है, स्पेशल डिनर। सुबह में कुछ बस सिंपल से ही खाना बना था, ज़्यादा कुछ नहीं खास बन पाया था क्योंकि ऑफिस जाना था, तो जल्दी जल्दी में नहीं हो पाया। रात में हम लोग बना रहे हैं एक स्पेशल डिनर, तो बर्थडे स्पेशल डिनर। तो मैं क्या हूँ, बर्थडे स्पेशल डिनर बना रही हूँ। तो चलिए देखते हैं, मैं तैयारी कर चुकी हूँ और चलिए फटाफट से देखते हैं। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा है। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं तो उसको लाइक सब्सक्राइब कर लेना, लाइक तो आप करोगे ही, सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए पहले देखते हैं बर्थडे स्पेशल डिनर, चलिए। आज मैं डिनर में बना रही हूँ दाल भरी पूड़ी और ये यूपी की फेमस रेसिपी है। तो इसे बनाने के लिए मैं चने की दाल को 2-3 घंटे पहले पानी में भिगो के रख दी थी। इसे हम 2-3 बार पानी से अच्छी तरह से धो लेंगे और फिर इसके बाद इसमें हम इसका छौंका लगाएंगे। तो उसको लगाने के लिए एक कढ़ाई में ली हूँ मैं 3 से 4 टेबल स्पून तेल डाल दी हूँ। जब तेल गर्म हो गया है तो उसमें मैं 5-6 कलियाँ लहसुन की डाल दी हूँ। और जब लहसुन का कलर चेंज हो गया है फिर उसमें हम मिर्च डाल देंगे, आप इसमें लाल मिर्च या फिर हरी मिर्च कोई भी ले सकते हैं। और जब ये भी अच्छी तरह से भून गई है तो इसमें हम जो अपनी दाल है उसे डाल देंगे और दाल को भी कुछ देर वैसे फ्राई करके और फिर इसके बाद इसमें हम मसाले डालेंगे, तो वो मैं बाद में बता दूँगी। ये जो रेसिपी है ये यूपी की फेमस रेसिपी है, हमारे यहाँ पे कोई भी शादी ब्याह कुछ भी हो ये ज़रूर बनता है, इसको दाल पूड़ी बोलते हैं। वैसे आज मैं इसका पराठा बनाऊँगी और ये वहाँ की फेमस रेसिपी है, हर घर में त्यौहार हो या फिर किसी की शादी हो ज़रूर बनता है ये। 2-3 मिनट दाल को भूनने के बाद इसमें हम मसाले डाल देंगे। मसालों में मैं डाली हूँ 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर 1/2 चम्मच, थोड़ा सा काश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए, और गरम मसाला मैं डाल दी हूँ 1/2 चम्मच। और इसमें हींग डालेंगे, करीब 2 से 3 पिंच हींग डालेंगे क्योंकि हींग का जो खुशबू आता है इसमें बहुत अच्छा लगता है, तो हींग ज़रूर डालिए। और फिर उसके बाद मैं नमक डाल दूँगी स्वादानुसार। और इसमें फिर लास्ट में हम डालेंगे 1/2 गिलास पानी। पानी आप बीच बीच में इसको चलाते रहिए, अगर पानी कम लगे इसको पकाना है अच्छी तरह से, अगर पानी कम लगे तो आप और पानी डाल दीजिए। और फिर उसके बाद इसको हम ढक के बिल्कुल स्लो फ्लेम पे 10 से 15 मिनट तक पका लेंगे। 15 मिनट हो गए हैं और जो दाल हमारी है वो पक गई है, ये देखिए। अब इसको हम पीस लेंगे। जब तक दाल पक रही थी तब तक मैं साइड में खीर रख दी थी दूसरे चूल्हे पे, तो खीर भी साथ के साथ पक गई है। और इसके साथ ना खीर का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, तो अगर आप लोग भी इसे ट्राई करें बनाने के लिए तो इसके साथ खीर ज़रूर बनाइएगा, उसके साथ इन दोनों का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर मैं सबको पीस ली हूँ और इसको तैयार कर ली हूँ। आज मैं खीर की रेसिपी शेयर नहीं की हूँ और अगर आप लोग मुझे कमेंट में बोलेंगे तो मैं इसकी रेसिपी भी कभी आपके साथ शेयर कर दूंगी। और आज क्योंकि अगर इसकी रेसिपी भी शेयर करती तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, तो इसीलिए मैं इसकी रेसिपी शेयर नहीं की हूँ। खीर और सब्जी मेरी रेडी हो गई है, अब मैं पराठे बना ले रही हूँ। और ये पराठे बनाना बहुत ही आसान है और इसका स्वाद बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और इसको आप चाहें तो थोड़ा छोटा छोटा करके कचौड़ियों की तरह तल के भी बना सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं तो पराठे बना रही हूँ, पूड़ी नहीं। और इसको वैसे सबको बनाना आता ही होगा लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। एक हम लोई का छोटा सा पोर्शन लेंगे, मतलब आटे का छोटा सा पोर्शन लेंगे, उसको थोड़ा सा बेल के बड़ा कर लेंगे और एक कटोरी की तरह उसको बना के उसमें जो दाल का मिक्सचर रेडी किए हैं वो भर देंगे।
फिर उसके बाद उसको हम चारों तरफ से बंद कर देंगे, यानी कि वो जो कचौड़ी का मुंह है वो उसको हम बंद कर देंगे जिससे कि उसके मुंह में से दाल ना निकले। तो बस इसी तरह से फिर उसके बाद इसमें थोड़ा सा सूखा आटा लगा लगा के हल्के हाथों से बेल बेल के इसको बड़ा कर लेंगे और हमारा पराठा तैयार है। उसको दोनों तरफ से सेक लेंगे। ये बनाना बहुत ही आसान है और इसका टेस्ट उतना ही ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में, और इसके साथ खीर का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। तो एक बार आप लोग ज़रूर इसे ट्राई करिएगा। बस और फिर हम इसी तरह से अपने सारे पराठे बना लेंगे। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो, ये दाल वाली जो पूड़ी है मतलब पराठा है, इसकी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। और अगर आप लोग इसे बनाते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कैसा लगा आप लोगों को, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम बनाते हो। स्पेशल डिनर रेडी है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।